हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष आयम इंदौर से एंड फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम अलग अलग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स को समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में बड़े ही ईजी वे में फ्रेंड्स आपको पता है हमारे ऑलरेडी पाँच मॉड्यूल्स हैं मीडू स्टडी में मैनेजमेंट के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर मॉड्यूल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी के ऊपर मॉड्यूल है ऑपरेशंस मैनेजमेंट ओ बी के ऊपर मॉड्यूल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एस के ऊपर मॉड्यूल है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच के ऊपर भी मॉड्यूल है जिसमें हमारी आज की वीडियो उसी कंटेंट का पार्ट है इलेवंथ वीडियो है दोस्तों ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग के ऊपर ऑलरेडी हम दस वीडियोज आपको दे चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले जाना था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है फिर ह्यूमन रिसोर्स को प्लान किया एच जे डी जॉब डिस्क्रिप्शन जे एस जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना उसके बाद हमने क्या है दोस्तों हमने रिक्रूटमेंट एंड सलेक्शन के बारे में समझा क्या टेक्निक्स होती हैं मेथड्स होती हैं फिर पर्सन कंपनी में आता है तो उसके इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन को देखा अब ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडक्शन ओरिएंटेशन हो चुकी है अब हमें देखना है उसकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग और असेसमेंट सेंटर्स ये दो टॉपिक है वीडियो नंबर 11 एंड 12 में 12 में हम करेंगे जो हमारे इस अगले चैप्टर का पार्ट है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कॉम्पिटेंसी क्या होती है कॉम्पिटेंसी दोस्तों सेट ऑफ नॉलेज स्किल्स और बिहेवियर दैट एन इंडिविजुअल नीड टू डेमोन्स्ट्रेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क सक्सेसफुली सो पर्टिकुलर वर्क जिसके लिए उस आदमी को हायर किया गया है उसको पूरा करने के लिए उसको परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ नॉलेज स्किल बिहेवियर इंसान को चाहिए उसे हम कहते हैं कम्पटेंसी और कॉम्पटेंसी मैपिंग फिर क्या होती है प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड जजिंग वेदर दे आर फिट फॉर पर्टिकुलर जॉब तो उन एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को हम असेस करते हैं और जज करते हैं कि वो उस जॉब के लिए सक्सेसफुल है या नहीं उसे कहते हैं हम कम्पटेंसी मैपिंग कम्पटेंसीज को मैप करना कंपिटेंसी मैपिंग के बारे में और जानते हैं इट इनेबल्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस तो दोनों को बेनिफिट करती है कंपनी को भी एम्प्लॉय को भी कंपनी को क्या बेनिफिट कर रही है वो जान रही है कि उस एम्प्लॉय में क्या स्किल सेट है जो नहीं है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट दे रही है उसको सिखा रही है भाई तेरे में ये कमियां है ये इनको तू ब्रिज करता कि मैप उसको कंप्लीट करके अचीव किया जा सके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट अब किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं टोटली डिपेंडिंग अपॉन रोल डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल क्वालिटीज

मैपिंग यही को देता है है वो बताता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है क्या उसकी वीकनेसेस है और करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में वो समझ सकता है इस कॉम्पिटेंसी मैपिंग के थ्रू आगे चलते हैं दोस्तों टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज तो कॉम्पिटेंसीज दोस्तों चार तरीके की होती हैं चार प्रकार की होती हैं सबसे पहले होती है टेक्निकल कम्पिटेंसीज सो जो टेक्निकल रोल में बहुत ज़रूरी होती है टेक्निकल कम्पिटेंसी और आप कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में है चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सिविल इलेक्ट्रिकल हो आर्किटेक्ट रिलेटेड हो उसको टेक्निकल स्किल वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना उन मशीन्स को यूज करना आना चाहिए वो कम्पिटेंसी उसमें कम नहीं होनी चाहिए सो so, और यही मान लीजिए कोई एक टेबल जॉब है उसमें हो सकता है उसको टेक्निकल ज़रूरत ना हो उसको दूसरे स्किल्स की जरूरत हो तो डिपेंडिंग अपॉन जॉब रोल डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोफाइल किस कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत है वो भी अलग अलग हो सकता है नेक्स्ट होता है मैनेजरियल या ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी मतलब एक मैनेजरियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल सीनियर लेवल पे आपको किस कॉम्पिटेंसी की जरूरत है थर्ड होता है ह्यूमन या बिहेवियर मतलब पर्सनल लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या स्किल्स क्या क्या कॉम्पिटेंसी आपको एक ह्यूमन पर्सनल लेवल पे चाहिए एंड फोर्थ होता है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्या कॉम्पिटेंसीज एक पर्सन में होनी चाहिए तो so, ये होती है हमारी चार तरीके की कॉम्पिटेंसी दोस्तों अब हम समझते हैं कॉम्पिटेंसी मॉडल्स को कैसे बनाया जाता है ये वो मॉडल होते हैं जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हेल्प करते हैं कॉम्पिटेंसी मॉडल्स के बारे में बहुत डिटेल में हम इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे ये स्पेशलाइजेशन जो दोस्त एचआर में करते हैं उनको कॉम्पिटेंसी मॉडल्स भी पढ़ने को मिलते हैं अभी हम ब्रीफ समझ लेते हैं कि ऐसा कोई मॉडल हमें बनाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा उसके लिए दोस्तों प्रोसेस सबसे पहले उस मॉडल की तैयारी करना उसे कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द मॉडल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना अब जानकारी यहाँ पे चाहिए हमें डेटा चाहिएगा किस तरीके का डेटा भाई जिस डेटा को यूज करके हम उस मैपिंग को कर सकते हैं उसके बाद बिल्डिंग दी मॉडल फिर मॉडल को बिल्ड किया जाता है अब मॉडल को बिल्ड करेंगे उस डेटा के बेसिस पे उसके बाद बिल्ड कर दिया मॉडल हमारे पास प्लेस है फिर हमें उसको इंप्लीमेंट करना रहेगा ये होती है स्टेज फोर जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंटिंग दी मॉडल अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया इंप्लीमेंट करने के बाद जो है अगली स्टेज चेजगी जिसमें उसको इवेल्युएट किया जाएगा भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कुछ गैप है तो उस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है और इवेलुएट करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इवन उसको अपडेट करना ये होता है डेवलपिंग दी कॉम्पिटेंसी मॉडल्स अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस कॉम्पिटेंसी मॉडल के तो कॉम्पिटेंसी मॉडल के दोस्तों जो यूजेस हैं ज मॉडल्स इंप्रूव दी सिलेक्शन प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस को ही इंप्रूव करते हैं क्यों कैसे Assessing competency of candidate. हमने कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी को असेस कर लिया उस जॉब के लिए क्या स्किल सेट कॉम्पिटेंसी चाहिए वो हमें पता है उसकी मैपिंग करके देख लीजिए कैंडिडेट फिट है या नहीं तो राय दिन बाद में यह देखने का पर्सन फिट नहीं था तो उस पर कुछ एक्शन ले क्या करें आप पहले उस मैपिंग को करके चलिए और सिलेक्शन प्रोसेस को ही इंप्रूव कर लीजिए इन मॉडल्स के थ्रू डीज मॉडल्स हेल्प इन परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में कैसे हेल्प करते हैं आप इन मॉडल्स के थ्रो तो पर्सन को जज कर सकते हैं देख सकते हैं कि जो उसको रिक्वायर्ड चीजें थी उसने की नहीं की तो क्या गैप रहा और कॉम्पिडेंसीज आप मेजर कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ सकते हैं कॉम्पिडेंसी मॉडल्स इनेबल एच आर पर्सनल टू एस्टेब्लिश एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एच आर पर्सनल इन कॉम्पिटेंसी मॉडल्स के बेसिस पे प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इसाइड इनटू एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय उनको ये पता लग जाएगा कि इसकी लेवल क्या है कॉम्पिटेंसी का एंड उस बेसिस पे एचआर पर्सनल उसको ब्रिज करने के लिए देखिए गैप हो सकते हैं लेकिन उन गैप्स को लेके बैठे रहना कंपनी के लिए भी फायदेमंद नहीं है नुकसान करेगा उस एम्प्लॉय में भी कुछ ना कुछ वो सेंस ऑफ इंफेरियोरिटी लेके आएगा उसको लगेगा काम मैं नहीं कर सकता तो बेटर है उसको ट्रेन एंड डेवलप किया जाए ताकि उस गैप को ब्रिज किया जाए नेक्स्ट यूज देखते हैं दोस्तों

अब हम जानते हैं कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग में सो कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग में कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स को जानने के लिए समझते हैं कि देखिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट है तो ओवर द दस ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है एंड जो स्टार्ट हुआ था बड़ी कंपनी से आज के टाइम में छोटी एंड मिड लेवल कंपनीज भी इसको जरूरी समझने लगी है ओवर दी ऑर्गनाइजर्स ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम टू कॉम्पिटेटिव दैट डे वी मार्केट लीडर एंड स्टेटिंग फ्राम दी पाइल आज के टाइम में हर कोई कॉम्पिटिटिव है हर कोई ये जानता है कि भाई मुझे कॉम्पिटिशन से आगे जाना है मुझे ऊपर अचीव करना है पॉइंट वन पॉइंट टू परसेंट मार्केट शेयर के लिए फाइट होती है और एक बार आप टॉप पे पहुंच गए आप कैसे सस्टेन करें कैसे मार्केट लीडर बने रहें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग जो है उसको यूज करना फॉर दिस दे नीड टू स्ट्राइव हार्ड टू अट्रैक्ट लार्ज कस्टमर बेस एंड ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अब ये किस तरीके से हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़िए कस्टमर्स आपसे कब जुड़ेंगे जब आपके पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो हाई क्वालिटी के हो अच्छे हों तभी ये पॉसिबल है इन ऑर्डर टू अचीव सच पॉजिटिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रेज द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ देयर एम्प्लॉज ये कैसे हो सकता है कॉम्पिटेंस लेवल को रेस uh, करके ताकि पॉजिटिव लेवल इंप्रूव हो सके एक और ट्रेंड जो है इसमें है वो ये दोस्तों फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मैनी मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो आईटी कंपनीज हैं वो भी लर्न करेंगी इन बिग आईटी टी जाइंट्स से और अपने मॉडल्स को डेवलप करेंगी ताकि उनकी वर्कफोर्स वर्क पे जो है ग्रेटर इसका इम्पैक्ट आए ताकि अब देखिए अभी तक जो है बिग आई टी कंपनीज इसको यूज़ कर रही थी मीडियम एंड स्मॉल स्केल कंपनीज भी इसको यूज़ करके अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना चाहेंगी तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग जो है वो फ्यूचर है तो इसको बीइंग एचआर पर्सनल या बीइंग एनी प्रोफेशनल हर किसी को जानना बड़ा ही ज़रूरी है समझिए क्यों ज़रूरी है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है हमारी अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड जो इस चैप्टर का हमारा सेकेंड पार्ट है असेसमेंट सेंटर उसके बारे में जानेंगे हमने ये तो समझ लिया कम्पिटेंसी क्या होती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे की जाती है कम्पिटेंसी मॉडल्स के क्या फायदे नुकसान है बट इन कंपिटेंसी को कैसे असेस किया जाए तो उसके लिए कंपनी एक तरीका यूज करती है जिसको हम कहते हैं असेसमेंट सेंटर और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसी चैप्टर का पार्ट है उसमें हम इस असेसमेंट सेंटर को बड़े ही डिटेल में जानेंगे बड़े ही डिटेल में समझेंगे आपको दोस्तों आज की वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें बताइए कोई आपका सजेशन हो तो आप हमारी मेल आई डी मीडू डॉट स्टडी एट द जी मेल डॉट कॉम पर लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड आपके अपने चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब प कीजिए थैंक यू दोस्तों टेक केयर